अक्सर अपने कनाडा की नागरिकता को लेकर देशवासियों के निशाने पर रहने वाले अक्षय कुमार अब दोबारा से भारतीय नागरिकता मिल गई है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर ये खुशखबरी अपने सारे फैंस और देशवासियों से शेयर किया है। अक्षय कुमार को अक्सर कनाडा कुमार कहकर लोग सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल करते हैं। भारत में टैक्स का भुगतान करते हुए भी अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। काफी समय से अक्षय कुमार भारत की नागरिकता पाने की कोशिश में लगे थे, जो अब आखिरकार पूरा हो गया है। वही आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने ट्विटर पर भारतीय नागरिकता मिलने का सबूत दिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी शेयर की है। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी, जय हिंद। वही अक्षय कुमार को इस पोस्ट पर जमकर बधाई भी मिल रही है। उनके फैंस ने लिखा, फाइनली हेटर्स की बोलती अब बंद हो गई है। एक्टर ने बताया था एक इंटरव्यू में कि 1990 और 2000 के दशक में उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। उनकी लगातार 15 मूवीज पिट चुकी थी। खराब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से अक्षय ने कनाडा जाकर काम करने का निर्णय लिया और वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। वही बता दें कि इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था, मैंने सोचा कि मेरी फिल्में चल नहीं रही, मुझे काम करते रहना है, इसलिए मैं कनाडा काम करने के लिए गया था। मेरा एक दोस्त कनाडा में था, उसने मुझे कहा कि यहाँ आ जा, और इस दौरान मैंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई किया। वही अक्षय आगे कहते हैं कि मेरे पास केवल 2 फिल्में बची थी जो रिलीज होनी बाकी थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि दोनों ही बची हुई फिल्में सुपर हिट हो गई। मेरे दोस्त ने कहा कि अब तू वापस चला जा, दोबारा काम शुरू कर। मुझे कुछ और फिल्में मिली और उसके बाद मैं नहीं रुका, काम करता चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे ये पासपोर्ट दोबारा से बदलवा लेना चाहिए।